गुड मॉर्निंग। टुडे यू विल स्टडी नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.1 मीन्स चैप्टर 13 है सरफेस एरिया एंड वैल्यू। तो आप स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू क्यूब्स ईच आर वैल्यू 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट इंड टू इंड। ठीक है, दो क्यूब हैं और प्रत्येक का जो वैल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, वो एक ही मिला दिए जाते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, जो क्यूबॉइड बनता है उसका फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे दो क्यूब मिलाया जाता है, ठीक है, दो क्यूब एक ही मिलाया जाता है, क्यूबॉइड बन जाएगा। दो क्यूब एक ही मिला दिए जाते हैं, दो क्यूब एक ही में मिला दिए जाते हैं, ये बन जाता है क्यूबॉइड। ठीक, ज्वाइंट टू क्यूब्स। थोड़े ऐसे ही होगा, ठीक है, ऐसे ही होगा। ठीक है, दो क्यूब एक ही मिला दिए जाते हैं और मिलाने के बाद ये बन जाएगा क्यूबॉइड बन जाएगा। तो दो क्यूब है, उसमें से क्या है, टू क्यूब्स ईच आर वैल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, प्रत्येक का जो वैल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो वैल्यूम ऑफ क्यूब, वैल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वैल्यूम क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब साइड का क्यूब इक्वल टू 64, साइड इक्वल टू हो जाएगा 64 का क्यूब रूट जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए 4 सेंटीमीटर क्या होगा, 4 सेंटीमीटर इसका यहां से यहां तक होगा, 4 यहां तक होगा, इसका मिला कितना होगा, इसका 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका 8 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद जो इसका इसकी नेक्स्ट वाली ये ब्रेथ मान लीजिए है, ये 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, ये नहीं चेंज होगी। और फिर इसकी हाइट है, ये भी वही रहेगी, ये भी नहीं रहेगी। ठीक है, वो भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो कर्व सरफेस एरिया, हाँ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, हाँ सॉरी, हाँ सरफेस एरिया क्यूबॉइड, सरफेस एरिया क्यूबॉइड इक्वल टू हमारा क्या था, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, जिसका फॉर्मूला है क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और यह आएगा 2 इंटू एल बी, तो लेंथ 8 मल्टीप्लाई ब्रेथ 4 प्लस बी एच 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस एच एल, तो हाइट 4 और लेंथ इसकी है 8। ठीक, आपको इतना समझ आ जाएगा, 2 इंटू ये जाएगा 32, ये 16 और ये जाएगा 32, और जाएगा 2 इंटू अब 32 32, ये कितना हो गया 64, और ये 16 ऐड करेंगे तो 4 6 0 6 1 7 1 8 हो गया, और यहाँ कितना जाएगा, ये वो आ जाएगा 160, जो आपका सरफेस एरिया पूछा गया है ना, 160। ठीक, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम आशा करते हैं आपको क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आ गया होगा। ठीक,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड 13.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये सेकंड में क्या है? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाई अ हॉलो सिलेंडर। मीन्स एक बर्तन है, ठीक है, एक बर्तन है इज इन द फॉर्म ऑफ, मतलब किस फॉर्म में, अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाई अ हॉलो सिलेंडर। ठीक, माउंटेड बाई अ हॉलो सिलेंडर मीन्स एक हॉलो सिलेंडर के ऊपर, ठीक है, एक हॉलो सिलेंडर के ऊपर उसको रखा गया है। वेसल इज द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाई अ हॉलो सिलेंडर। ठीक, हॉलो सिलेंडर के ऊपर उसको रखा गया है। उसके मतलब उस बर्तन के ऊपर हॉलो सिलेंडर है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द। ठीक है, देखिए ऐसे करके है वो, इस शेप में है, इस शेप में है वो बर्तन। अब यहां बोला द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का डायमीटर, हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर, ये पूरा जो है ये कितना है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो जब उसका है डायमीटर तो सिलेंडर का भी वही होगा। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, टोटल इसकी हाइट है बर्तन की वो है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर टोटल हाइट। अब देखिए क्या है, जब इसका डायमीटर 14 है तो यहां तक ये क्या हो जाएगा, सेवन हो जाएगा, यहां तक जो है ये हो जाएगा सेवन। जब ये सेवन हो गया तो सिक्स क्या बचेगा, 13 में से, 13 में सेवन निकल के क्या बचेगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर आ गए। अब यहां पूछ रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो यहां पे आप फाइंड करेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इक्वल टू, तो इसका क्या नाम है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो क्या आ जाएगा, हेमिस्फीयर का क्या था फार्मूला, देखिए आपको बोला गया था फार्मूले को आप लर्न कर लीजिएगा। हेमिस्फीयर क्या होता फार्मूला, इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर के सरफेस का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, और सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो यहां पे 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, देखिए दोनों का रेडियस सेम है, 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, आर को भी ले सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन लेंगे यहां बच जाएगा आर, और यहां 2 पाई आर कॉमन बच जाएगा, 2 इंटू 5 में 22.7 रेडियस क्या है, रेडियस का 7 आएगा, और फिर यहाँ पे 7 प्लस हाइट क्या है, हाइट इसकी, इसकी हाइट चाहिए सिलेंडर की हाइट चाहिए तो उसकी हाइट कितनी है, 6 है। ठीक है, 6 है, जब जब से कैंसिल हो जाएगा ये 22 जा जाएगा 44 मल्टीप्लाई 7 6 हो जाएगा 13, ये क्या हो जाएगा 13 4 जा 52 आ गया 5, 13 4 जा 52, अब 52 में 5 ऐड करेंगे 57, और इतना क्या हो जाएगा 70 स्क्वायर। आप आर्य अग्रवाल बुक से प्रैक्टिस करते रहिए और इनके एग्जाम्पल को भी साफ करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।